हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार आपका अपना चैनल एग्रो ग्रीनफील्ड में स्वागत है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको पेडी स्ट्रो मशरूम के बारे में बताया गया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। धान के भूसे से मशरूम उगाने के लिए आवश्यक सामग्री। धान का भूसा मशरूम उगाने के लिए प्राथमिक सब्सटेंस, यह साफ और सूखी होनी चाहिए। धान के पुआल से बने मशरूम का बीजा, पानी भूसे को भिगोने और नमी बनाए रखने के लिए। प्लास्टिक का सीट, नमी और गर्मी बनाए रखने के लिए मशरूम बेड को ढकने के लिए। बांस या लकड़ी का फ्रेम, मशरूम उगाने के लिए बेड या रेक बनाने के लिए। थर्मामीटर और हाइड्रोमीटर, तापमान और आर्द्रता के स्तर को निगरानी के लिए। स्प्रे बोतल, नमी बनाए रखने के लिए क्यारियों पर छिड़काव के लिए। एडी नेट और शेल्टर, बढ़ते क्षेत्रों को प्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी और भारी बारिश से बचाने के लिए। ऐसे जगह का चुनाव करें जो साफ सुथरा हो और सूखे धान के भूसे का उपयोग करें। भिगोना, स्ट्रो को 12 से 16 घंटे के लिए साफ पानी में भिगोए, इससे यह नम हो जाता है और मशरूम की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाता है। जल निकासी, भिगोने के बाद अतिरिक्त पानी निकालने के लिए स्ट्रो को 1 से 2 घंटे के लिए पानी से खाली कर दें। स्थान, अच्छी वायु संचार तथा सीधे धूप और भारी बारिश से सुरक्षा वाला छायादार स्थान चुनें। ढांचा, बांस या लकड़ी का उपयोग करके एक सरल ढांचा बनाएं जो लगभग 1 मीटर चौड़ा और संभालने के लिए सुविधाजनक लंबाई का हो। परत बनाए, जमीन पर या एक मचान पर भिगोए हुए भूसे 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी की एक परत बिछाए, इससे ठोस बनाने के लिए भूसे को हल्के से दबाएं। भूसे की परत के ऊपर समान रूप से मशरूम स्पॉन की एक परत फैलाएं। अतिरिक्त परत बनाने के लिए प्रक्रिया को दोहराएं, आमतौर पर 3 से 4 परतें ऊंची बनाएं। कवरिंग, नमी और गर्मी बनाए रखने के लिए बिस्तर को प्लास्टिक सीट या पॉलीएथिलीन बैग से ढके, ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए हवा आने जाने का ध्यान रखें। नमी, स्प्रे बोतल का उपयोग करके नियमित रूप से बिस्तर पर पानी छिड़क कर उचित आर्द्रता 70 से 80% बनाए रखें। तापमान, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखें। तापमान की निगरानी के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करें। वेंटिलेशन, मोल्ड वृद्धि और संशोधन को रोकने के लिए अच्छी वायु परिसंचरण को सुनिश्चित करें। निरीक्षण, संदूषण के लिए बिस्तरों की दैनिक जांच करें और किसी भी संक्रमित क्षेत्र को तुरंत हटा दें। अवधि, बिस्तर को लगभग 10 से 14 दिन तक इनक्यूबेटर होने दें। अवलोकन, इस अवधि के दौरान आप भूसे के माध्यम से सफेद माइसिलियम फैलते हुए देखेंगे। स्वच्छता, फफूंद और अन्य कवकों से संदूषित को रोकने के लिए मशरूम उगने वाले क्षेत्र में सफाई बनाए रखें। निरीक्षण, संदूषण से संकेतों के लिए नियमित रूप से क्यारियों का निरीक्षण करें तथा किसी भी संक्रमित क्षेत्र को तुरंत हटा दें। समय, स्पॉनिंग के लगभग 10 से 14 दिन बाद मशरूम दिखाई देने लगेंगे। परिपक्वता, मशरूम की कटाई तब करें जब यह युवा और ठोस हो। आमतौर पर टोपी पूरी तरह खुली नहीं होनी चाहिए। वृद्धि, मशरूम को धीरे से मोड़े और बेड से खींचे। ध्यान रखें कि आसपास के स्ट्रो को नुकसान ना पहुंचे। एडी स्ट्रो मशरूम खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एडी स्ट्रो मशरूम अगर आप एक बार लगाते हैं तो इससे आपको 3 से 4 बार हार्वेस्ट मिल जाता है, और साथ ही साथ इसका मार्केट में अच्छा खासा दाम भी है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसे बेच भी सकते हैं मार्केट में। ये कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा देने वाला फसल है, तो इसका आप बिजनेस के तौर पे भी इसको उगा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप घर पे खाने के लिए उगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और वीडियो लाते रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।